अभी तक इंसानों को स्पेस में भेजने का काम केवल नासा जैसी सरकारी संस्थाएं ही करती आ रही थी, लेकिन अब समय के साथ साथ धीरे धीरे इस क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों का दबदबा भी बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक प्राइवेट कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने अपने एक एयरप्लेन को स्पेस में भेजा। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी की स्थापना रिचर्ड ब्रैंसन के द्वारा 2004 में की गई थी। 14 सालों की कड़ी मेहनत के बाद 13 दिसंबर 2018 को इस कंपनी ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ने अपने VSS यूनिटी यान के द्वारा 2 इंसानों को स्पेस में भेजा। 2011 के बाद अमेरिकी धरती से पहली बार किसी यान ने अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर उड़ान भरी है, क्योंकि 2011 के बाद से ही नासा अपने एस्ट्रोनॉट को रूस के सोयूज स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में भेजता है। तो आखिर गैलेक्टिक कंपनी ने ये कारनामा कैसे किया, जानेंगे आज के इस खास एपिसोड में। स्वागत है आप सभी का रहस्य टीवी में और मैं हूँ कुलदीप सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। 13 दिसंबर 2018 को गैलेक्टिक कंपनी के व्हाइट नाइट 2 एयरक्राफ्ट ने VSS यूनिटी यान में 2 पायलट मार्क फ्रोजर स्टिकी और फ्रेडरिक सीजे स्ट्रको के साथ कैलिफोर्निया के मोजावे डेजर्ट से उड़ान भरी। व्हाइट नाइट 2 एक ड्यूअल केबिन कैरियर एयरक्राफ्ट है, यानी इस एयरक्राफ्ट में 2 एयरप्लेन का यूज किया गया है जिन्हें आपस में इस तरह से जोड़ा गया है कि इनके बीच एक तीसरे यान को लटकाया जा सके। इस तरह व्हाइट नाइट 2 एयरक्राफ्ट किसी तीसरे यान को अपने साथ कैरी करके उड़ान भर सकता है। यहां जिस तीसरे यान का उपयोग किया गया था उसे VSS यूनिटी या स्पेसशिप 2 कहा जाता है। VSS यूनिटी एक सब ऑर्बिटल रॉकेट पावर्ड प्लेन है जो अपने रॉकेट इंजन का यूज करके स्पेस में जा सकता है। इसी VSS यूनिटी यान के जरिए गैलेक्टिक कंपनी ने 2 पायलटों को स्पेस में भेजा। VSS यूनिटी को व्हाइट नाइट 2 एयरक्राफ्ट के साथ जोड़कर 43,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाया गया। 43,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद VSS यूनिटी को एयरक्राफ्ट से अलग कर दिया गया। यूनिटी के अलग होते ही इसमें बैठे पायलट ने रॉकेट इंजन को चालू किया। करीब 60 सेकंड तक VSS यूनिटी के हाई पावर्ड रॉकेट इंजन को बर्न किया गया। इस दौरान यूनिटी ने 2.9 मैक यानी ध्वनि की गति से 2.9 गुना अधिक वेग हासिल कर लिया। करीब 60 सेकंड के बाद जब इंजन को बंद किया गया तो उस समय VSS यूनिटी यान पृथ्वी से 51.4 माइल्स या 82.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। जब इस मिशन को शुरू किया गया उस वक्त ये क्लियर नहीं था कि विमान कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। कंपनी ने इसके लिए 80 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन अगर मौसम खराब होता या सुरक्षा उपकरणों में कुछ भी कमी सामने आती तो विमान में मौजूद पायलट्स के पास विमान के इंजन को बंद करने का विकल्प था। जब इस यान के इंजन को बर्न किया गया तो उस वक्त मौसम खराब होने की वजह से इसे विंड स्पेयर का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इस समस्या के बावजूद भी पायलट ने इंजन को 60 सेकंड के लिए बर्न किया और अपने निर्धारित लक्ष्य 80 किलोमीटर को पार करके 82.7 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में सफलता हासिल की। जैसे ही यान 82.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो उनके कॉकपिट की खिड़की से पृथ्वी घुमावदार दिखाई देने लगी। इस पर मिशन कंट्रोल की टीम ने दोनों पायलट को बधाई देते हुए संदेश भेजा कि अंतरिक्ष में आपका स्वागत है। इस बड़े कारनामे के साथ ही वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी किसी इंसान को स्पेस में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन गई, क्योंकि अमेरिका के एविएशन विभाग के अनुसार 80 किलोमीटर से ज्यादा ऊंचाई को अंतरिक्ष माना जाता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार पृथ्वी तल से 100 किलोमीटर ऊपर स्थित कर्मन लाइन के बाद अंतरिक्ष प्रारंभ होता है। हालांकि 80 किलोमीटर के बाद से ही माइक्रोग्रेविटी अनुभव की जा सकती है। VSS यूनिटी में बैठे दोनों पायलट ने भी 82.7 किलोमीटर की ऊंचाई पर माइक्रोग्रेविटी को अनुभव किया। इसके बाद यूनिटी ने स्पेस में ही एक धीमा बैक फ्लिप लिया और उसके बाद ग्लाइड करते हुए मोजावे डेजर्ट में सुरक्षित लैंडिंग की। व्हाइट नाइट 2 एयरक्राफ्ट से अलग होकर स्पेस में जाने और वापस पृथ्वी पर लैंडिंग करने में VSS यूनिटी को करीब 14 मिनट का समय लगा। इस उड़ान के दौरान ये यान अपने साथ नासा के 4 टेस्टिंग पेलोड भी लेकर गया था। रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक की ये उड़ान एक कमर्शियल फ्लाइट की टेस्टिंग थी, जिसके तहत आने वाले समय में गैलेक्टिक कंपनी टूरिस्ट को स्पेस में 90 मिनट के लिए लेकर जाएगी। ब्रैंसन ने दावा किया है कि इस उड़ान के लिए एक टिकट की कीमत करीबन 1.75 करोड़ रुपए है और अभी तक 700 लोग इसके लिए पहले से ही बुकिंग करवा चुके हैं। जहां अभी स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में इलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजन और बोइंग जैसी कंपनियां भी प्रयास कर रही हैं, वहीं गैलेक्टिक की ये सफलतम उड़ान स्पेस टूरिज्म को आने वाले समय में और बढ़ावा देगी। आने वाले साल 2019 में ब्लू ओरिजन भी अपना पहला क्रू स्पेस में भेजने वाली है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन सभी कंपनियों में से स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में कौन सी कंपनी बाजी मारती है।
तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले शनिवार को शाम 6 बजे। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।